भाई साहब, क्या सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। राजस्थान की खूबसूरती देखो, और लगा भी नहीं था कि राजस्थान में ऐसी जगह हो सकती है। वाह, क्या सीनरी है। देखो पूरे माउंटेन्स ग्रीन है, पूरे माउंटेन्स। भाई साहब इतना गंदा रूट है ये, इतना गंदा, इतनी धूल है और इतना ट्रैफिक है। रोड देखो, अब ये कोई रोड है? ऐसी रोड में रात के 11 बज रहे हैं और ऐसी रोड में हम चल रहे हैं। जूतों से देख लो, जूतों और कपड़ों से कि कितनी धूल थी। जैकेट पे भी देखो, पूरी धूल ही धूल। अभी मैंने फ्लैश नहीं ऑन कर रखा है वरना पूरा धूल दिखता। अमित भाई यहाँ पे अपना बैग फिर से सेट करते हुए ये देखो सुबह के 5 बज रहे हैं और पसारा देखो, यहाँ पे बैग, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह जो है बस बैग ही बैग पड़े हुए हैं। क्योंकि अपनी जो है नेक्स्ट राइड आ गई। स्पीति से आया मैं, एक 1.5 महीना हो गया होगा मुझे, और बस ऑफिस वगैरह, ऑफिस से घर और वीडियो एडिट, वीडियो भी थोड़े लेट डाल रहा था मैं, क्योंकि अभी जो न्यू सॉफ्टवेयर में जो कर रहा हूँ मैं, जिस सॉफ्टवेयर में मैं एडिट कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे। पहले तो मैं फ़ोन में भी जो है करके डाल देता था, तो अभी जो है थोड़ा टाइम लग रहा है, तो धीरे धीरे मैं डाल रहा था। तब तक अपनी नेक्स्ट राइड आ गई जो कि है राजस्थान की राइड, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैं वैसे राजस्थान काम से ही जाने वाला था, काम से, इन सेंस कि मुझे जाना था गाँव, तो सोचा कि चलते हैं राइड ही करते हैं प्रॉपर, जहाँ मज़ा आएगा। और ये राइड पर अपने साथ है अमित भाई, तो चलते हैं। एक अमित भाई और मैं रहूँगा, तो मज़ा आने वाला है ये बार, तो निकलते हैं। बाकी ब्लॉग्स जो है थोड़े लेट आएंगे, बट आएंगे ज़रूर। धीरे धीरे हम जो ट्राई करेंगे कि जो जल्दी जल्दी ब्लॉग्स डालें ताकि मज़ा आए आप लोगों को भी, तो चलते हैं। चल चलो, तो शुरू करते हैं अपनी राइड लेके बजरंगबली का नाम, जय बजरंगबली। निकलना था कितने बजे और निकल रहे हैं कितने बजे? निकलना था 5 बजे सुबह और 6 बज गए। देखो 6:20 के आसपास हो गए, 6:20 हो गए, तो मतलब बहुत लेट हो गए हम। चलो जल्दी से पहुंचते हैं अमित भाई के यहाँ पे। अमित भाई ने जो है चेंज किया है उनका घर, तो अभी जो है नए घर पे जाना पड़ेगा। पहले गया हूँ मैं, थोड़े दिन पहले ही गया था। अमित भाई को पिक करने आया था और अमित भाई ने जो है 12 बजा दिए, पूरे 6 घंटे लेट। जो है बोलते हैं कि सो के चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, अब लेट हो ही गए तो नींद पूरी करके चलते हैं, तो मैं भी सो गया थोड़ी देर, क्योंकि बहुत गंदी जो है मुझे नींद आ रही थी। लो भाई आ गए हाईवे पे, अब नॉन स्टॉप दौड़ेगी अपनी बाइक। ओल्ड हाईवे से हमको जाना पड़ेगा क्योंकि नए हाईवे पे बाइक्स अलाउड नहीं है, तो ओल्ड से ही जाना पड़ेगा। बाकी इंडिया का तिरंगा देखो क्या मस्त लहरा रहा है ऊपर। एक बात अच्छी हुई कि अभी तक जो है बारिश नहीं मिली है, आगे तो ज़रूर मिलेगी बट अभी तक नहीं मिली है, अच्छा है। क्योंकि सिटी में जो है मेन बारिश हो और ऊपर से ट्रैफिक, तो वो एक सरदर्द अलग होता है। मॉनसून की पहली राइड, हाँ मतलब पहली राइड ही है मॉनसून की। जब मैं स्पीति गया था तब कुछ था ही नहीं मॉनसून, तब तो स्टार्ट भी नहीं हुआ था।
यहाँ कुछ रोड का काम चल रहा है। क्या क्या देख रहे हैं, मार्किंग वगैरह पता नहीं क्या क्या। अच्छा, जो बीच में जो रोड जो फटी है, बीच में जो क्रैक्स है वो फिल कर रहे हैं। मैंने कहा ये ऐसा ध्यान से एकदम क्या कर रहा है, क्या डाल रहा है। ओहो, ट्रक के ऊपर ट्रक, वाह, दो है वो भी, एक ट्रक ने दो ट्रक को उठा रखा है। बट उनके पीछे की बॉडी नहीं है तो हाँ वेट कम है, इसके जैसे उठा रखा है। वी आर इन लोनावला, मगनलाल चिक्की है ये, अगर आपको दिख जाए तो समझ जाना आप लोनावला में हो। हर जगह आपको बस मगनलाल 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 चिक्की दिखेगा। ए वन चिक्की यहाँ की तो मगनलाल चिक्की है। बाकी ए वन लिखो या कुछ भी लिखो, ट्रैफिक 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 देखो, ट्रैफिक सिटी के अंदर आते ही पसीने छूट जाता है। ये पॉइंट देखो भाई साहब, क्या ही मस्त व्यू था वाटरफॉल का। अभी तो और अच्छे अच्छे नज़ारे दिखेंगे। अभी बॉडी जो है पूरी गर्म हो चुकी है, वार्म अप हो चुका है, अब आएगा मज़ा। वो देख रहे हो वहाँ पे अलग ही शेप का पहाड़, कुछ अलग ही मतलब शेप है, और पूरा जो है ब्लैक दिख रहा है। नीचे रेलवे की पटरी, वाव वाव, ये देखो। हम जो है गलत रास्ते चले गए थे पहले, वहां पे जो है सिर्फ फोर व्हीलर्स अलाउड थी, वो जो न्यू आई हुआ है, ये वाला जो ओल्ड है, तो मैप भी जो है थोड़ा कंफ्यूज हो गया था बीच में। आई कुछ नहीं, हमने जो है देखा, टर्न ले लिया और पूछ लिया, वहाँ पे खड़े थे पुलिस वाले, उनसे पूछ लिया, वह उन्हें पता है, वो समझते हैं, उन्होंने रुकाया, पूछा कि कहाँ जाना है और बता दिया कि ये साइड से नहीं है, वो साइड से है। वो लोग भी समझते हैं, अगर पता है उन्हें भी कि हाँ हो जाता है, अगर कोई पहली बार आता है तो कंफ्यूज हो जाता है। मतलब मैं तो बाइक से पहली बार आ रहा हूँ तो इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया, और अमित भाई भी पहली बार आ रहा है ये रोड से तो कंफ्यूज हो जाता है। मुझे लगा था लोनावला साइड जो है फुल बारिश मिलेगी, बट बारिश मिली नहीं, बीच में थोड़ी सी एकदम थोड़ी सी गिरी थी, फिर उसके बाद जो है कहीं बारिश नहीं मिली। हम लोग लोनावला खंडाला से आगे आ चुके हैं, यहाँ से मुंबई 70-71 किलोमीटर है, 70 के आसपास। मैंने मैप नहीं लगा रखा है क्योंकि अमित भाई ने लगा रखा है, तो उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ मैं। देखो मुंबई 67, यस अभी जो है 67, बाकी बारिश जो है नहीं मिली अभी तक, धूप है मस्त, तो अच्छा वेदर है। मुंबई पास आते ही ट्रैफिक शुरू, ये देखो इतना सारा ट्रैफिक वो लाइन में, तो देखो बाप रे, बस इसी का डर था। ये लंबी लंबी बिल्डिंग्स देखो, ये अगर आपको दिख गई
तो समझो कि आप मुंबई आ चुके हैं। फाइनली बहुत ही खतरनाक मुंबई का ट्रैफिक झेलने के बाद हम पहुंच चुके हैं हाईवे पे। बहुत देर लगी कसम से, बहुत ही खतरनाक वाला ट्रैफिक लगता है मुंबई में। साढ़े आठ बज चुके हैं भाई साहब। इतना गंदा रूट है ये, इतना गंदा रोड है ये, इतनी धूल है और इतना ट्रैफिक है। वो तो अच्छा हुआ कि बारिश नहीं थी, नहीं तो मतलब पूरे जो है लग जाते भाई। बहुत ही डेंजर रूट है। आगे कहीं रुकते हैं और ढाबे पे या फिर होटल में, और जो है मस्त खाना खाते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है। 9 बज चुके हैं और सुबह कहीं रुके नहीं, मतलब शाम में रुकना था बट ट्रैफिक इतना था कि रुक ही नहीं पाए। ये रहा हमारा खाना, इतनी मुश्किलों के बाद खाना मिल रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो खाना खा लिया और रेस्ट कर लिया। बाकी ये देखो, जूतों से देख लो, जूतों और कपड़ों से कि कितनी धूल थी। जैकेट पे भी देखो, पूरी धूल ही धूल। अभी मैंने फ्लैश नहीं ऑन कर रखा है वरना पूरा धूल दिखता। तो चलते हैं पास में जो भी सिटी होगी वहाँ पे। आगे वापी है और दमन है, तो देखते हैं जो भी डिसाइड होता है वहाँ पे पास में रुक जाएंगे। ब्रेक हुआ ख़त्म, फिर से जो है आ जाते हैं ट्रैक पे। अरे मैप जो है सीधा मैंने उदयपुर का ही लगा दिया है। बीच में देखता है सूरत में या फिर जहाँ पे भी जो है मन करा वहाँ जो है रुक जाएंगे। अमित भाई को जो है गाड़ी सर्विसिंग करानी है उनकी, तो रुकना पड़ेगा आसपास में ही कहीं। तो सूरत देखते हैं, सूरत तक पहुँच गए तो वहाँ रुक जाएंगे। बाकी भाई साहब अंधेरा है और घर बना हुआ है, मतलब इतने रात इतने अंधेरे में कौन रहता होगा। लाइट लग रही थी पीछे। रोड देखो, अब ये कोई रोड है? ऐसी रोड में रात के 11 बज रहे हैं और ऐसी रोड में हम चल रहे हैं। अभी बज रहे 4:30 और यहाँ से उदयपुर 450 किलोमीटर और है, और सूरत होगा 15-20 किलोमीटर होगा। तो हमने जो डिसाइड किया हम डायरेक्ट जो है उदयपुर में ही रुकेंगे, क्योंकि बीच में सूरत में या फिर बीच में कहीं भी स्टे लेने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम जो है स्टे यहाँ पे लेंगे और चेकआउट तो सुबह 10-11 बजे ही होगा, उतना ही, और एक्सटेंड कर करके कितना ही करेंगे, 12 कर देंगे, बट 12 बजे तो चेकआउट करना ही पड़ेगा। तो वो फ़ायदे का है नहीं, तो डायरेक्ट जो है हमने सोचा कि उदयपुर ही रुकते हैं। अमित भाई यहाँ पे अपना बैग फिर से सेट करते हुए बाप रे धूल देखो इतनी सारी। हुलिया तो बिगाड़ ही दिया है, कपड़े पूरे, मतलब राइडिंग जीन्स, राइडिंग जैकेट सब जो है मैली हो चुकी है, पूरी वाइट वाइट। ये देखो सुबह हो गई और ब्रेक भी ले लिया हमने। क्या हुआ, नींद आ रही है? नहीं, अच्छा, देखो विंडशील्ड साफ कर दिए, पूरी गंदी हो गई थी, अब जो है क्लियर व्यू आएगा। हेलमेट का वाइजर भी साफ कर दिया है। बाकी अब निकलते हैं, कितना 300-400 किलोमीटर बाकी है? 370 किलोमीटर कुछ बाकी है, तो
चलते हैं, हो जाएगा जल्दी से, 10-11 बजे तक पहुंच जाएंगे मेरे हिसाब से। बाकी रोड देखो एकदम मस्त है अभी, बट पता नहीं कब जो है बदल जाए, फिर से जो है वो कच्चा रोड स्टार्ट हो जाए। तो निकलते हैं। ऐसा खाली रोड मिल जाए बस, और क्या चाहिए। और ये सुबह का टाइम, क्या ही मजा आता है राइड करने में। सुबह का टाइम और शाम का जो वक्त होता है, अलग ही बात है राइड करने की। अहमदाबाद 182। देखो गणपति बप्पा मोरिया, गणेश चतुर्थी आ रही है तो तैयारियां चल रही है फुल जोरों शोरों से। चलो अब चलाते हैं हंटर। बीच बीच में एक्सचेंज करते रहना चाहिए। यहाँ पे जो है मस्त समोसे खा लिए, मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छे बनाए थे सही में। मौसम देखो, मौसम जो है चेंज हो रहा है धीरे धीरे, बस बारिश नहीं मिलनी चाहिए आगे। और हाँ धूप निकल आई, वाह। ओहो हो, पूरा ये सर्विस लेनी है, बाहर निकलने का रास्ता कहाँ पे है। ये ट्रक का हाल देखो, इसमें सर्विस का सिंबल आ चुका है, इंडिकेशन वहाँ पे दिखा रहा है। 15,000 रुपये इसकी जो है सर्विस है, तो अभी इसकी सर्विस होगी सीधा उदयपुर में। 200-300 ज़्यादा, यहाँ से 300 है तो 300 ज़्यादा हो जाएंगे। बड़ा बीच में कुछ है नहीं तो क्या ही करें, क्या ही खूबसूरत रास्ता है सही में। पूरा ग्रीनरी है। वाव ये देखो, ऊंट जहां तक नजर जाएगी पूरा जो है ग्रीनरी। गोप्रो में दिख रहा होगा या नहीं पता नहीं, ये देखो
क्या ही सही व्यू है। शिप शिप के बीच में गधे भी है। वाओ क्या सीनरी है, देखो पूरे माउंटेन्स ग्रीन है, पूरे माउंटेन्स। और ऊपर घर भी है देखो, क्या ही खूबसूरत लग रही है ये जगह। और लगा भी नहीं था कि राजस्थान में ऐसी जगह हो सकती है। बहुत ही सुंदर, राजस्थान की खूबसूरती देखो, क्या ही सुंदर। ओनली 69 किलोमीटर लेफ्ट। और ये नज़ारे देखो, आगे बादल है, पूरे बादल छाए हुए हैं, तो बारिश हो सकती है आगे, तो हो सकती है बारिश क्योंकि बादल जो देखो आए हुए हैं। ये देखो जो पूरी दीवार बना रखी है माउंटेन पे, अगर आप देखोगे, एक सेकंड, गोप्रो में दिख रहा होगा ये पता नहीं, देखो वहाँ से जैसे बॉर्डर बना रखा है पूरा ऐसे, और पेड़ का बॉर्डर है एक्चुअल में, वो सब पेड़ उगा रखे हैं, ऐसे बॉर्डर बना रखा है। ओ भाई साहब क्या सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, बाप रे वाह, क्या सुंदर सुंदर पहाड़ है देखो, क्या मस्त लग रहा है। मतलब हर बार मैं मानसून में, मतलब हर बार मैं गांव आता हूँ बट मानसून में ही नहीं आता, पता ही नहीं था कि मतलब इतना अच्छा मानसून में हो जाता है राजस्थान। तो पीछे तो इतने सही सही व्यूज, बारिश स्टार्ट हो गई है जोरदार, बहुत ही तेज। अब पीछे कुछ भी नहीं थी, मॉर्निंग गाइस। कल रात को हम आए और जो है खाना खा के डायरेक्ट सो गए, क्योंकि दो दिन से सोया नहीं था मैं तो ऑफिस से डायरेक्ट आया था अमित भाई के यहाँ पे, थोड़ा सोए थे बस 2-3 घंटा मैक्स, उससे तो ज़्यादा मैं सोया ही नहीं, डायरेक्ट निकल आए। और उसके बाद जो है कच्चे रास्ते ये वो, और वहाँ से 800-900 किलोमीटर राइड करना था हमें, तो बीच में सोच रहे थे रुक जाए बट नहीं रुकना था क्योंकि फ़ायदा था नहीं रुक के, डायरेक्ट यहीं आना था। यहाँ जो है अमित भाई की बाइक जो है वो सर्विसिंग करनी थी, एक तो उसकी सर्विसिंग आ गई थी,
तो फिर डायरेक्ट आ गए हम यहाँ पे और आके बस सो गए, खाना खा के ना वीडियो एंड की ना कुछ किया, बस जो है सामान वामान सर रख के बस सो गए। तो ये ब्लॉग को जो है मैं अभी एंड कर देता हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको जो है रूम टूर वगैरह देता हूँ अच्छे से और उदयपुर एक्सप्लोर करते हैं। वैसे तो मैंने उदयपुर मैं घूमा हूँ पहले, बट ऐसा व्लॉगिंग तभी नहीं करता था मैं, तो अभी जो है अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो को एंड कर देता हूँ। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू गाइड डिड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना जो भी नए हैं चैनल पे। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।